की लोन देने की। लेकिन आज हम लोगों ने एक ही, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन ने एक ही बात, एक ही मुद्दा, एक ही आवाज उठाया था कि आज 3 से 5 हजार रुपया 6 महीना तक इन लोगों की खाते में पैसा जाना चाहिए। लेकिन आज सरकार ने ये बात को भी नकारा, पूरा ऑल इंडिया की राज्य सरकार को भी लेटर लिखा गया, अर्बन मिनिस्टर को भी लेकर लेटर लिखा गया, लेकिन अर्बन सेक्रेटरी के साथ लगातार चर्चा चला, लेकिन उन्होंने एक ही बात कहा है, लोन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों ने ये बात भी कहा था कि सब्सिडी देने की बात, लेकिन सरकार ने नहीं माना। 2014 के कानून के बाद तो ऑलरेडी फुटपाथ दुकानदारों के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन अलॉटमेंट था, लेकिन आज नया क्या दिया सरकार ने? कुछ नहीं। फिर और एक बार ऋण का बोझा उनके सर पे उतार दे रहे हैं। हम लोग बार बार ये बात भी कह रहे हैं, आज अर्थव्यवस्था कौन मजबूत करेगा? यही हॉकर्स। लेकिन आज उनको लोन के बारे में बात किया, 10 हजार रुपया में कुछ नहीं होने वाला है। आज पूरा देश की अगर सर्वे की बात कहा जाए, वो भी कम संख्या दिखाया है, 18 लाख से 50 लाख के अंदर दिखाया, ऑफिशियली 18 लाख। फिर हम लोग जब लड़ाई किए 4 करोड़ हॉकर से पूरा देश में, उसमें भी 50 लाख हॉकर्स की बात कहा है।